ऑल राइट गाइज, अगर आप भी अपने वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, यानी सब्सक्राइबर गेन करना चाहते हैं, यानी व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं बात करूंगा आप लोगों से इस वीडियो में एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आपको 100% आपको सब्सक्राइबर भी गेन होंगे और आपके चैनल पे व्यूज भी आएगा और चैनल भी आपको ग्रोथ होगा। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना है, समझना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आप देख लीजिए। 100% गारंटी है वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो मात्र और मात्र 10 से 15 दिन में आपका चैनल जो है ग्रोथ हो जाएगा और कहीं ना कहीं से आप अर्निंग कर पाएंगे अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो इसमें मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से कि गूगल एड का यूज करके अपनी वीडियो को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकते हैं, सारी प्रोसेस क्या होता है, कैसे लोग आज के डेट में अच्छी तरीके से इससे ग्रोथ पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के जो विनर हैं, जैसे कि जो प्रमोशन करता हूं, यहां पे देख सकते हैं उनका चैनल जो है यहां पे आ रहा है। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं उनका, जाइए देखिए। अगर आप उनका चैनल अच्छा लगता है तो चैनल उनका भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको भी यहाँ पर चैनल मतलब प्रमोशन करवाना है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है। आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना है। आपका नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बिना निकलेंगे तो 100% आपका भी चैनल यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ता हूँ वीडियो में, आप लोगों को बताता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल मौर्या, यू वाचिंग अ डिजिटल विशाल, सो नो मोर वेस्टिंग अ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए मैं चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको सिखाता हूँ किस तरीके से गूगल एड आप रन कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए। चलिए गाइज, तो मैं जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप आ सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन पे वीडियो मैं बनाता हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। एक काम और आप यहाँ पे कर लेना है, जब भी आप आते हैं वीडियो को देखिए, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और कमेंट करवाइए, क्योंकि अभी जो है मैं जो है प्रमोशन जो है चालू कर दिया हूँ चैनल पर, तो इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिले। और अगर नए क्रिएटर हैं आप तो हम साथ में मिलकर भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जब भी मेरा नया वीडियो आता है तो उसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके एक कमेंट कर देना है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बढ़ता हूँ आज के टॉपिक की तरफ फ्रेंड, उसमें बताता हूँ आप लोग किस तरीके से आप जो है गूगल एड यूज करके अपने चैनल का जो वीडियो है वो प्रमोट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो गूगल अभी बहुत सारी चीज़ें भी दे भी रहा है, अगर आप नए अगर आपका नया ईमेल है, नया ईमेल से आप जो है अकाउंट बनाते हैं गूगल एड पे, तो वहाँ पे 2000 रुपये का आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको गूगल में जाना है क्रोम में, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो मोबाइल में डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिए, उसके बाद में इस चीज़ को देखिए। हो सके वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन पूरा वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप सारी चीज़ें इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो डेस्कटॉप मोड पे करके उसके बाद में आप सर्च करेंगे गूगल एड, तो इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट जो है लिंक, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको एक नया डैशबोर्ड मिलेगा, इस तरीके से आपको एक नया डैशबोर्ड मिलेगा जहां पे आपको गूगल एड बोलने का, यहां पे साइनिंग करने के लिए और गेट स्टार्टेड। तो पहले एक चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए कि जो कूपन कोड है 2000 रुपये का वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको कम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड, ठीक है, बी सीन बाय द कस्टमर एट द वेरी इंपॉर्टेंट दे आर सर्चिंग ऑन गूगल फॉर द थिंग्स यू ऑफर, ऑल्सो यू कैन गेट योर स्पेंड मैसेड अप टू 2000 इन प्रमोशनल क्रेडिट। अगर 2000 रुपये आप खर्च करते हैं तो 2000 रुपये का क्रेडिट आपको दे रहा है गूगल, कैसे देगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो वैलिड है ये नए, अगर आप गूगल एड बना रहे हैं नए ईमेल एड्रेस से तभी आपको मिलेगा, अगर पुराना है तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट करोगे, यहाँ पे गेट ऑफर कोड पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में उसको जो है कैसे रिडीम होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ ईमेल, क्योंकि मेरा ईमेल एड्रेस जो है पुराना है तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नया ईमेल एड्रेस से बनाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, उसका यूज आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको पहले मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं बताता हूँ वो जो है कोड कैसे आप रिडीम करेंगे। इस तरीके से आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं जो है एड चलाया था कुछ दिन पहले, तो ये उसका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। यानी जो है
व्यूज मेरा जो है 6077 की आपको 6 पॉइंट मैंने 6070 आपको व्यूज मिले हैं यहाँ पे। और उसके बाद में इंप्रेशन देखिए कितना और CPV देखिए कितना इन्हीं इतने रुपए में, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं, मैं प्रोसेस पूरा बताऊंगा किस तरीके से कैंपेन सेट कर सकते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको पहले वो दिखा दे रहा हूँ, चलिए गाइस, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले कूपन कैसे रिडीम करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप कर लेंगे, इसके बाद में ऐसे खुलेगा आपका, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो टूल्स एंड सेटिंग का जो दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको खुलेगा, ये जो बिलिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको प्रमोशन वाला पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके से दिखेगा, तो जो प्लस का आइकन है यहाँ पे आप क्लिक करिए, उसके बाद में ये जो कोड आपको मिलेगा यहाँ पे आप कोड वो जो है डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर देंगे, इस तरीके से आपका कोड जो है वो जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर समझते हैं इसको, तो यहाँ पे आपका टोटल आपको यहाँ पे समरी दिखेगा कितना आपने आप एड में आप खर्च करा आपने, उसके बाद में ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पे दिखेगा कितने आपने कहाँ से ऐड करे है, क्या GST वगैरह लगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। पेमेंट जब भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे दो चीज़ें से आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक आपको UPI कर सकते हैं, मास्टर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कैसे भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब करना है जब आप पैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पैसे ऐड कर सकते हैं, दो चीज़ें समझ लिया आपने आई होप। अब बात कर लेते हैं कि कैंपेन कैसे जो है यहाँ पे आप लगाएंगे, तो देख सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव प्रूफ कि यहाँ पे आपको बेनिफिट कितना मिलता है, यानी तरीके से आप लगाएंगे। तो मैंने अभी पिछले ही हफ्ते में एक ऐड चलाया था 2 तारीख से लेकर, सॉरी यहाँ पे है जनवरी में चलाया था मैंने 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, ठीक है, हाँ 2 जनवरी से 8 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद में आपको रिजल्ट में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए आपको 1000 रुपये करीब मैंने खर्च करे थे। CPV जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं इतने रुपए, इंप्रेशन जो है देखिए कितने रुपए लगे यहाँ पे गया था और इतना मेरे पास व्यूज आया, ठीक है। तो यानी आप जो है अगर तरीके से ऐड चलाएंगे तो कम रुपए में ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करना चाह रहे हैं आप जो है यूट्यूब पे, तो 100% ये गूगल एड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो जो मैंने बनाया है उस पर आप देख सकते हैं, बट अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप जो है गूगल एड का यूज करके आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप जो है कैंपेन सेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये प्लस आइकन दिख रहा है, न्यू कैंपेन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको डैशबोर्ड खोलेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप क्लिक करिए, उसके बाद में कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको नीचे इस तरीके से आपको दिखेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे आ जाइए, यहाँ पे दिख रहा है वीडियो कस्टम वीडियो कैंपेन, उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक नया तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पे आपको बोलेगा क्रिएट योर कैंपेन, तो यहाँ पे आपको वीडियो कैंपेन है हमारा, उसके बाद में यहाँ पे कैंपेन का नाम दे देना है। तो यहाँ पे कुछ भी है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया वीडियो प्रमोट, ठीक है, जो मर्जी आप दे सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद में मेन चीज़ है आपका यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी, आपको क्या यूज करना है, आपको मैक्सिमम CPV या जो है आपको टारगेट CPM। तो हर कोई जो है अगर वीडियो आप एड चला रहे हैं तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं आपको कहीं, आपको मैक्सिमम CPV रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे बजट का ऑप्शन आएगा। बजट में आपको अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कैंपेन टोटल बजट और डेली बजट, तो आप अगर टोटल बजट लगा सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप डेली बजट भी लगा सकते हैं। डेली बजट में मान के चलिए आप जो है 100 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं तो 100 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए आप, ये डेली बजट हो गया आपका। डेट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका पैसा ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे टोटल बजट सेलेक्ट कर लेंगे कैंपेन टोटल, तो वहाँ पे आपको डेट एंड लगाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो डेली बजट 100 रुपये लेकर चलते हैं, और भी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद में फ्रेंड आपको यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि
ये दो चीज़ें आपको चेक रहना। ये जो लास्ट वाला है वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, तो गूगल का और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये वीडियो ऐड जो है गूगल दिखा सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे मना कर देना है। क्यों मना कर देना है? क्योंकि आपका जो ऑडियंस है यूट्यूब पे है, यानी यूट्यूब के थ्रू आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये दोनों चेक कर रहना है। ये जो है अनचेक करके हटा देना है, ठीक है। ये करने के बाद में आपको नीचे आ जाइए। अब नीचे आ जाइए उसके बाद में आपको लोकेशन यहाँ पे देखना है। तो लोकेशन में जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे जगह जो है मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो आप जो है इंडिया भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं भी इंडिया के अंदर आपको वो जो है ऐड जो है जितने भी यूजर हैं वहाँ पे आपको ये दिखेगा। अगर इस पर करेंगे तो लोकेशन जो है टारगेट लोकेशन आप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। तो अगर इंडिया में डायरेक्ट करना है तो इंडिया से भी आप कर सकते हैं। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ पे भी हिंदी लोग समझते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीन चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपको हिंदी करना है सिर्फ तो हिंदी भी कर सकते हो, उर्दू करना है तो उर्दू भी कर सकते हो। हिंदी और उर्दू लगभग सेम ही होते हैं, तो मैं इसीलिए सेलेक्ट कर रखा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास ही जाए तो समझ पाएंगे। उसके बाद में आप नीचे आ जाइए, आपका यहाँ पे देख लीजिए इन्वेंट्री टाइप पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, तो स्टैंडर्ड पे ही रहने देना है। गूगल की तरफ से रिकमेंडेशन है, इस पे भी कर सकते हैं वैसे, बट ये रिकमेंडेशन रहने दीजिए, इसमें कुछ मत चेंज करिए, ठीक है आपका। और उसके बाद में आपका यहाँ पे आइए एक्सक्लूड लेवल पे है जो है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको कि वीडियो जो है आपको कहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। तो आपको अनबेंडेड यूट्यूब वीडियो पे आपको क्लिक कर देना, स्ट्रीम वीडियो आपको क्लिक कर देना है, और ये जो कंटेंट नॉट एट लेवेंड यहाँ पे आपको अनचेक कर देना है। ये गेम पे ऑलरेडी इनएक्टिव है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद में आप जाइए रिलेटेड वीडियो, तो रिलेटेड वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आप नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद में आपको ये एडिशनल जो सेटिंग दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए। अब मेन चीज़ है, यहाँ पे लोग जो गलती कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका डिवाइस है कहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेट जो है स्पेसिफिक टारगेट फॉर डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप अपने वीडियो को कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो आज के डेट में मैं कहूँगा आपको टीवी स्क्रीन हटा दीजिए, टेबलेट हटा दीजिए, कंप्यूटर हटा दीजिए, आप जो है मोबाइल फ़ोन पे रखिए, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में इंडिया में यूजर है मोबाइल यूजर है, तो मोबाइल पे लोग ज़्यादा देखते हैं। अगर आपको लगता है नहीं तो आप टेबलेट और जो है कंप्यूटर दोनों कर सकते हैं। आप कंप्यूटर पे वैसे कम ही करिए, कंप्यूटर बहुत कम ही लोग देखते हैं, तो मोबाइल और टेबलेट पे आप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये करने के बाद में आपको ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी गैप में आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यानी यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि वो आप अपने ऐड को कितनी बार दिखाएंगे लोगों को, तो यहाँ पे आपको वन कर दीजिए, और उसके बाद में एक हफ्ते में एक बार उसको दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि जब एक बार ऐड देख लेगा बंदा, अगर क्लिक करना होगा तो कर देगा, नहीं तो फिर उसे एक हफ्ते बाद दिखेगा। उसके बाद में और गैप व्यूज फ्रीक्वेंसी ये भी आप सेट कर सकते हो कि आपका जो वीडियो है एक बार बंदा ने देख लिया उसके बाद में कब वो दोबारा देख सकता है, इस तरीके से। तो व्यूज यहाँ पे आपको पर डे भी कर सकते हो, पर वीक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट अभी मैं कहूँगा इसको मत सेट करो, ऐसे रहने दो, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है एड शेड्यूल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे रहने देना है। एडिटीज थर्ड पार्टी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम दे देना है, तो जो मर्जी आप दे सकते हो। यहाँ पे डेट है तो यहाँ पे वीडियो कस्टम कर दिया मैंने, मर्जी आपकी आप दे सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पे डेमोग्राफी में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ से एज आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब एज जो है आपके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे आपके ऑडियंस है अलग अलग कैटेगरी के यूट्यूब चैनल, तो अलग अलग जो है होते हैं। तो मान के चलिए मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग पे काम करता हूँ मैं, तो मेरा जो ऑडियंस है ये नहीं है मेरे
45 से 45 तक मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो वीडियो मेरा देखते ही नहीं है। तो इसमें जो है आपका बजट का भी फ़र्क पड़ जाएगा और जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। डेमोग्राफी हो गया, सेगमेंट में आपको आना है। सेगमेंट में यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये चीज़ें देखनी है कि आपको जो है किस किस को अपनों एड को जो है दिखाना है। तो आपको टेक्नोलॉजी वाले, जो मेरा चैनल टेक्नोलॉजी वाले देख सकते हैं, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट वाले देख सकते हैं, ये सारे। अगर आपका चैनल जिस हिसाब से है वो आपका मोबाइल एंथुसियास्ट आप देख सकते हैं। ये सारे जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग जो, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है आपके मतलब कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सारी चीज़ें। ये करने के बाद में आपको, उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में अब मेन चीज़ है कीवर्ड का। तो कीवर्ड कैसे लाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बेहतरीन तरीका जिसके थ्रू आपको अच्छी तरीके से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको गेट कीवर्ड आइडियाज यहाँ पे क्लियर रखा है, यहाँ पे आप जाइए वीडियो, जोन से वीडियो को आप यूट्यूब से प्रमोट करना चाहते हैं आपको जो है खोल लेना YT स्टूडियो। आपको कंटेंट में जाना है, जोन से वीडियो आपको प्रमोट करना है, उस वीडियो को जो है आपको लिंक यहाँ से आपको मान लिया जाए कि ये वीडियो मुझे प्रमोट करना है। तो यहाँ पे आपको जो है गेट शेयर्ड लिंक यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यहीं पे आना है आपको और यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर देना है और इंटर दबा दोगे तो यहाँ पे जो है आपके वीडियो रिलेटेड जो है आपको कंटेंट जो है मतलब कीवर्ड यहाँ पे गूगल जो है सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें आप जो है प्रॉपर वे में इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड सारे यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप, सारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको यहाँ से बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपने बना के रखा अलग से कीवर्ड तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये करने के बाद में आपको उसके बाद में आगे बढ़ना है। कीवर्ड हो गया हमारा, उसके बाद में आपको टॉपिक पे क्लिक करना है। टॉपिक पे जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है जैसा तैसे। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी जैसा तैसा। अब आ जाइए कि मतलब वीडियो जो है आपको कौन सा प्रमोट करना है। तो जो मैंने अभी बताया लिंक आप वहाँ से कॉपी करेंगे, आपका वीडियो का लिंक यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको वीडियो कौन सा ऐड आपको चलाना है, स्केपेबल इन स्टीम ऐड चलाना है या फीड इन वीडियो ऐड चलाना है, ठीक है। ये दो ऐड अभी चल रहा है। उसके बाद में एक होता है कि आपका वो आता है डिस्कवरी ऐड अभी चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको स्केपेबल इन स्टीम ऐड चला सकते हैं या इन फीड वीडियो ऐड, तो जो मर्जी आप चलाइए, चाहे स्केपेबल आप चलाइए, ये से फीड इन वीडियो, तो जो हम वीडियो देखते हैं उसके फीड में आएगा ये, तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन फीड वीडियो ऐड आप चलाइए, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको दिख जाएगा ऐड, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में हेडलाइन आप यहाँ पर आप जो मर्जी आपका हेडलाइन डाल सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से हेडलाइन बनाइए, उसके बाद में आप डालिए जो इसे आपका वीडियो रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांड का नाम नहीं आना चाहिए। लाइक यूट्यूब है तो यूट्यूब का पूरा नाम नहीं आना चाहिए, गूगल तो गूगल का नाम नहीं आना चाहिए, कोई भी है मतलब वहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। लाइक ये जो है मैंने वीडियो बनाया था कि आप जो है अपने वीडियो में ब्लर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाउ टू ब्लर टेक्स्ट एंड इमेज इन वीडियो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख सक दूंगा मैं। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है, बट यहाँ पे अगर आप व्यूज बढ़ाने के लिए कोई वीडियो ऐड प्रमोट कर रहे हैं कुछ और चीज़ें, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो है किसी ब्रांड का नाम ना आए। वो इसी तरीके से सेकेंड आपको यहाँ पे दे देना है, अभी मैं वैसे रेंडम लिख दे रहा हूँ, तो आप इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड का नाम दे देना है, जो मर्जी आप दे सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में नीचे आ जाइए, उसके बाद में मेन चीज़ यही होता है वीडियो कितने जो है वीडियो के लिए, एक मतलब व्यूज के लिए कितने पैसे आप देंगे। तो स्टार्टिंग में आप उसके बाद में यहाँ पे दे सकते हैं 30 पैसे से आप स्टार्ट कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है व्यूज जो है 700 लेकर 2000 मतलब 2700 तक आपका व्यूज यहाँ पे मिल जाएगा। इंप्रेशन जो है 33,000-82,000 तक आप हो जाएगा। एवरेज CPV आपको 16 से लेकर 31 तक। बजट स्पेंड 90%। यूनिक रीच इतना लोगों के पास पहुँच जाएगा। अगर इतने में आपका जो एड चलाइए, उसके बाद में अगर
हो जाता है, चालू हो जाता है ऐड, तो उसके बाद में आप जो है इस पे पैसे जो है और बढ़ा सकते हैं बिड, तो इससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ कैंपेन पे। क्रिएट अ कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो है कैंपेन रेडी हो जाएगा, रिव्यू के लिए आपको चला जाएगा। उसके बाद में जो है आपका जैसे भी आपका वहाँ से रिव्यू 12 से आपका 24 घंटे के अंदर आपका जो है रिव्यू ओके हो जाएगा। अगर आपको वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, सब कुछ ओके रहेगा, तो आपका जो ऐड है वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन कर देना है इस तरीके से। अब ये जो है रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद में आपका जो है 24 घंटे के बाद में आपका उसको आ जाएगा, उसके बाद में आपका चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने वीडियो को जो है आप प्रमोट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से ज़्यादा व्यूज आएंगे यहाँ से, और सब्सक्राइबर भी गेन होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब रीच होगा तो कहीं ना कहीं आपको 100% यहाँ से ग्रोथ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं गूगल ऐड के थ्रू। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप जो है गूगल ऐड का यूज करके फ्रेंड अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकते हैं, और जो है एक मिनिमम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे पहुँचाएंगे वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको सिखा दिया हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे भी कर सकते हैं आप, जहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको प्रमोशन करवाना तो कुछ नहीं करना, जो मैंने टर्म एंड कंडीशन बताया उसको आप फॉलो कर लीजिए, 100% आपका चैनल यहाँ पे भी प्रमोशन हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर अभी तक चैनल पे बने हैं देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ मैं बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपका चैनल जो है 10x ग्रोथ हो जाएगा। कैसे होगा वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आपको चाहिए, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सोच रहे हैं आप तो कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए इस वीडियो में इतना है फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लर्न करिए, अप्लाई करिए और ग्रो करिए, और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।